के एतबार से उसको मर्तबे दिए जाते हैं। कई इबादत गुजार ऐसे होते हैं जिनकी दीन और ईमान का कोई ठिकाना नहीं होता। ईमान बिल्ला और लोगों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आने से बढ़कर इंसान के हक में कोई चीज़ नफ़ा पहुंचाने वाली नहीं है। ईमान जुबान से करार और बदन से अमल का नाम है। अल्लाह ताला की बारगाह में मुकर्रबीन का दर्जा वही लोग पाते हैं जिनका ईमान अल्लाह ताला शानों की जात पर पुख्ता होता है। ईमान नेक आमल का पता देता है। जिसका आखिरत पर ईमान कामिल हो जाता है वो दुनिया से मुंह मोड़ लेता है। जब तुम दारे फानी यानी दुनिया से मुंह फेर कर दारे बाकी यानी आखिरत के चाहने वाले हो गए तो जान लेना कि तुम्हारा तीर निशाने के ऊपर लग चुका है। फिर कामयाबी और फला के दरवाजे तुम्हारे भी खुल जाएंगे और तुम हर तरफ से खैर और फला को पाओगे। ईमान का दारोमदार अमानतदारी पर है। कुशादा रवि से पेश आना ये बेहतरीन नीति है। तीन औसाफ ऐसे हैं जो अगर किसी में मौजूद हो तो बिला सुबह वो कामिल ईमान वाला होता है। जब राजी और खुशी हो तो कोई बुरा काम न करे, जब नाराज और नाखुश हो तो हक से बाहर न जाए, जब कुदरत रखता हो तो किसी से ऐसे से न ले जो इसकी नहीं होती। ईमान की रोशनी का सबब तक्वा होता है। ईमान और अमल दो हमजादे हैं जो एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं और अल्लाह ताला भी इन्हें एक दूसरे के बगैर कबूल नहीं फरमाते हैं। किसी भी शख्स का ईमान हिका में शरीयत पर तस्लीम करने और इताअत की खुदाबंदी से मालूम होता है कि वो आदमी अकल व इफ़त और कनात के साथ आरास्ता से मालूम होता है। ईमान का उमदा दरवाज़ा इखलास है और इबादत का दारोमदार भी इखलास के ऊपर है। जब तक इस बात की परवाह न करोगे कि गलबा भूख को किसी तरह मिटाओ और कौन सा सामान कपड़ा इस्तेमाल करो, तब तक ईमान कामिल और दुरुस्त नहीं होता। ईमान से बढ़कर कोई वसीला कामयाबी का नहीं है और एहसान से बढ़कर कोई सिफत अफजल नहीं है। ईमान ये है कि बंदा मसाइल और नुज़ूल पर सब्र करे और नेमत के हुसूल पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे। जब तक इन चीज़ों को महबूब नहीं रखोगे जो अल्लाह ताला को पसंद है और इन चीज़ों को बुरा न समझोगे जो अल्लाह ताला को नापसंद है, तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होता है। इमाम पर लाजिम है वो अपने अहल व इलाके को ईमान के अहकाम और हुदूद इस्लाम की तालीमात को आगा रखे। ईमान एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ यकीन है, जिसकी साखी तकवा है और इसके फल हया है और फूल सखावत है। जो शख्स जिसके दिल में ईमान और यकीन पैदा हो गया वो बिला सुबह खुश खुर्रम रहा, नहायत सआदतमंदी और